क्या प्रॉब्लम है भाजपा सरकार से? आज फिर ज्ञापन लेके आप पहुंच गए हो, दीपेंद्र हुड्डा भी आए हुए थे, क्या दिक्कत है आपको भाजपा सरकार से? देखिए, भाजपा सरकार से दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे को नहीं, आज दिक्कत पूरे देश को। ये बड़े नारे देती थी, बोला बड़ी हुई महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार। आज मैं पूछना चाह रहा हूँ, डीजल का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, डॉलर का क्या रेट है और कच्चे तेल का क्या रेट है? मोदी साहब एक बात कहते थे कि मनमोहन सिंह जी जो इस देश के सम्मानित प्रधानमंत्री थे, जो कम बोलते थे, उनके बारे में कहा कि भाई ये तो मोनी बाबा हैं और जिस देश का रुपया गिरता हो उस देश के प्रधानमंत्री ने डूब के मर जाना चाहिए। मैं आज पूछना चाहता हूँ, आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। ये पहली बार हिंदुस्तान बनने के बाद, जब आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो पेट्रोल का रेट से ज़्यादा डीजल का रेट हुआ, ये भी मोदी में पहली बार हुआ है। प्याज का रेट हुआ, वो आज तक का रिकॉर्ड, वो भी बीजेपी के टाइम में, वो भी पहली बार हुआ है। ये हर चीज़, युवाओं की जो 2.5 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, आज युवाओं की क्या हालत वो आपके सामने है। आज 2.5 करोड़ रोजगार की जो बात करते थे, 2.5 करोड़ युवा के नहीं, 5 करोड़ युवा आज बेरोजगार इस गवर्नमेंट ने कर दिए। तो आज हम आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे सारे विधायकों ने इसलिए आज यहाँ ज्ञापन दिया है, जो तेल की बड़ी कीमतें, जो देश में अराजकता का माहौल है, और आज हमारे जो पीटीआई है, इनको भी हमने पहले भी आए थे और आज उनको भी हम समर्थन करते हैं कि इन घरों को ना उजाड़े। और प्रदेश की जो जनता, आज पूरे देश की, हरियाणा के और प्रदेश की जनता त्राही त्राही मचे हुए, तो इसके लिए हम रोड से लेकर विधानसभा तक हम संघर्ष करने का हमारा फर्ज है और हमारा विपक्ष के नाते ये फर्ज बनता है कि हम लोगों की बात को मजबूती से। कानून व्यवस्था की बात करें तो लगातार कानून व्यवस्थाएं खराब होती जा रही है, व्यापारियों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल गुंडा राज है। जो ये लोग बात करते थे हमारे 10 साल के राज में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब ओथ ली थी, तो जो गुंडे देश प्रदेश के अंदर थे, हुड्डा साहब ने एक कहा था, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। और इतना अमन चैन और भाईचारे की 10 साल राज रहा, ना कोई बदमाश को पनपने दिया और बदमाश हरियाणा छोड़ छोड़ भागने लगे थे। तो ये आज मैं झज्जर में भी मैंने सुना था, जिस किसी व्यापारी को धमकी भी दी, गोलियां भी चली, पीछे भादुरगढ़ में भी बहुत वो है, गुड़गांव में भी, ये पूरा फेलियर है, गवर्नमेंट फेल है। और मैं कड़े शब्दों में इस चीज़ के लिए इनकी निंदा करता हूँ और प्रशासन को भी मैं अवगत कराता हूँ, चेतावनी भी देता हूँ कि जो ये बदमाश है, इनके कड़ी से कड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बदमाशों को हैवी ना पड़े। विधायक जी, लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, 1 तारीख से लेकर 28 तक की बात की जाए तो करीब 160 केस बढ़ चुके हैं झज्जर ज़िले में। देखिए, वैसे मैं जिला झज्जर के प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ, चाहे वो DC साहब हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ, इन्होंने अच्छा काम किया। पर मैं गवर्नमेंट को इस मामले में फेलियर मानता हूँ। आज जिस तरीके से गवर्नमेंट ने लोगों को राम के भरोसे छोड़ दिया, और ये एक बड़ा संकट का समय देश पे भी प्रदेश पे भी, गवर्नमेंट ने अच्छे से संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को जो जो फैसिलिटीज़ हों वो उनसे, मतलब उन लोगों को अवगत भी कराना चाहिए, उनको सुविधा देनी भी चाहिए। सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अब सरकार को एक सर्वदलीय बैठक हरियाणा में बुला लेनी चाहिए जिसमें सभी से बात हो जाए? कई सारे मसले हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी है। एक तो जो आज आपने 2 दिन पहले देखा, हमारे बादली क्षेत्र में, जिला झज्जर में, टिड्डियों का बड़ा आतंक था और किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, गाँव के गाँव तबाह हो गए। तो मैं गवर्नमेंट से, हमने आज DC साहब से भी कहा है कि भी इनको उचित मुआवजा भी दिया जाए। और ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और बैठक करके आपस में सहयोग और साथ लेके संकट की घड़ी में, कांग्रेस ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये पहले कहा था कि भाई हम आपके साथ हैं, विपक्ष के साथ का नाता, हम आपके साथ हैं और ये समय राजनीतिक का नहीं है, ये समय एक ऐसा है कि हम सब एक हैं। तो हम इन सब बिगड़ते हालात पर कुलदीप बत से कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या उम्मीद देना चाहेंगे? देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हालात खराब है, सोशल डिस्टेंसिंग का आज धजिया उड़ी पड़ी है। हमने भी
अपनी जान की भी परवाह करनी चाहिए, अपने परिवार की भी परवाह करनी चाहिए और सामने वाले की भी परवाह करनी चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के सभी साथियों से कि भाई सारे भाई इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और एक दूसरे की बढ़ चढ़ के मदद भी करें और जितना हो सके जो हमारी WHO ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद।